इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को आपको गौर से देखना चाहिए। 6 सेकंड के इस वीडियो के एक एक सेकंड और एक एक फ्रेम को देखना चाहिए, क्योंकि 6 सेकंड के इस वीडियो में ही पूरी कहानी छिपी हुई है। दरअसल ये वीडियो बहादुरगढ़ का है। इस वीडियो में आप 4 लोगों को साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसमें 3 पुलिसकर्मी हैं और एक युवक। वीडियो के शुरुआत में एक पुलिसकर्मी गाड़ी से निकल रहा है, तो वहीं दूसरे ही सेकंड में आप 2 गाड़ियों के बीच 2 पुलिसकर्मी को एक युवक के साथ जबरदस्ती करते देख सकते हैं। आप जिस युवक के साथ जबरदस्ती होता देख रहे हैं, वो एक पार्षद का बेटा है, जिसका आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस ने उसके साथ गुंडागर्दी की, उसके साथ मारपीट की। पीड़ित युवक ने बताया कि वो अपने दुकान से घर जा रहा था, तो रास्ते में ट्रैफिक पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, तो युवक ने गाड़ी थोड़ी आगे करके रोक दी, जिसके बाद युवक के साथ पुलिस ने मारपीट की। और इस दौरान उसके साथ युवक की मामी भी थी, जिसके साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इतना ही नहीं, इसके बाद पुलिस ने 10,000 रुपए का भारी भरकम चालान भी कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला काली शीशे को लेकर हुई, जिसको लेकर युवक का कहना है कि वो अपनी गाड़ी में धूप से बचने वाला जालीदार काला शेड लगा रखा था। दुकान से घर जा रहा था, तो जो SHO है ट्रैफिक इंचार्ज, उन्होंने मेरे को हाथ दिया, तो मैंने थोड़ी सी आगे जाकर गाड़ी रोकी, तो जैसे ही गाड़ी के पास आए, उन्होंने सीधा मेरे ऊपर हाथापाई ही कर दी। मेरी कोई बात नहीं सुनी गई, साथ में लेडीज भी थी, मामी जी थी मेरी, उनके साथ भी बदतमीजी से बात की। कौन सी जगह की बात है ये? ये Sector 6 की बात है, पुलिस चौकी के पास ही। आपके साथ मारपीट भी की? हाँ जी। कितना? मेरे इधर थप्पड़ मार रखा है। चलान भी किया गया आपका? हाँ जी, चलान कर रखा है, मैंने शेड लगा रखी थी और फिल्मों का चलान कर रखा है। काले शीशे की बात सामने आ रही है? हाँ जी, बात ये बोल रहे हैं, काले शीशे थे, मेरे लग रही थी शेड काली, जाली जिसको बोलते हैं वो लगा रखी थी, और उन्होंने शेड गाड़ी रिपोर्ट करवाने। इस मामले को लेकर बहादुरगढ़ के नगर पार्षद का कहना है कि मारपीट की वजह से कान के अंदर के पर्दे को भी नुकसान पहुंचा है। तब क्या हुआ? का वर्कशॉप पर तारने लग रहा था, शाम के टाइम जो छुट्टी हो जाती वर्कशॉप की, काम सीखता हूँ, डिप्लोमा कर रहा था मोबाइल का, तो इन्होंने हाथ दिया यहाँ Sector 6 की जो चौकी है ट्रैफिक वाला की, उस लड़के ने थोड़ी दूर जाके साइड में लगा दी, साइड में लगा दी, तो इन्होंने गड्डी रोक के, और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, थोड़ी क्लब जो बनाने लग रहा था वो भी धमका दिया, लड़के को ऐसे पीट रहे हैं, एक को घोफते में ले जाकर उसके कान पे मारे, उसका कान का पर्दा पट गया और उसको लात घुसे मारे, डंडा मारा, ये कोई तरीका नहीं, मेरा चलान कर दिया। मैं गया, मैंने मेरे से भी वो बदतमीजी में बोलिया, दिनेश मैंने कही मैं बदतमीजी मतलब बोलो मैं यहाँ का पार्षद हूँ, लोग मेरे को देखने लग रहे, आप चलान काट दो, ये 10,000 का मेरा चलान काट के उन्होंने दे दिया। लड़के ने मैं वो जाने के बाद में बताई कि पापा इन्होंने मेरा मारे भी बहुत, और ये वीडियो है, मैंने जो दिखा दी और वो करा दी। ये नहीं है कि ये कोई पुलिस प्रशासन है, ये ट्रैफिक का इंचार्ज है, ट्रैफिक और नियम रुक है, गोंडा नहीं है ये यहाँ, और गोंडागर्दी करता है पूरा भादरगढ़ शहर, इस बात का रुका कि गलत के खिलाफ FIR होनी चाहिए, उसके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए, अगर उन्होंने गलती करी है तो उसकी उसको सजा मिलनी चाहिए, हमारा यही है। तो आप लोगों ने कंप्लेंट किसके नाम से दी? हमने कंप्लेंट जो है लड़के ने जो हम लोगों ने पिटाई करी है बॉक्सर के नाम, जो हमारे जो SHO है ये हमारे सारे पार्षद भाई आ रहे हैं, Z2 सारे पार्षद भाई, इनसे राय लेकर जब ये कही नहीं भाई उसने कभी ये बहुत गलत किया है, सभी के साथ और उसका गलत रहता है। मेरे एक लड़का है, अगर कोई उग चूक लगी मेरे लड़के का कान का पर्दा अगर फट गया तो मेरा नौकरी नहीं लग सकता और कुछ नहीं, कोई काम नहीं कर सकता। उसकी मामी वहाँ आई, उसने कही अगर आप जब ये अपने फादर से बात कराओ है तो आप इनसे बात करने, बोला आप कौन, चलो उसको भी बदतमीजी से चलो उसकी बात आ दिया, भद्र भाषा उसने यूज करी, उसको वो भी गवाही देगी। इस मामले को लेकर अन्य पार्षदों ने भी ट्रैफिक इंचार्ज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और थाने में पहुंचकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पार्षदों ने बहादुरगढ़ के ट्रैफिक इंचार्ज के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है, तो वहीं पुलिस का कोई भी अधिकारी इस संबंध में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि आरोपी ट्रैफिक इंचार्ज के खिलाफ पुलिस क्या एक्शन लेती है। बहादुरगढ़ से प्रथम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।